नमस्कार, मैं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। चार दिन से लापता युवक का नहीं लगा कोई सुराग, पुलिस जगह जगह दे रही है दबिश। युवक के परिजनों को हत्या की आशंका। औरैया जनपद के नगर में बिथुना के मोहल्ला अंबेडकर नगर में गत 18 तारीख को बाजार गए युवक का अपहरण होने से हड़कंप मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंबेडकर नगर निवासी पाती राम गौतम 17 वर्षीय पुत्र अजय कुमार साईं काल 3 बजे किसी काम से बिथुना के मुख्य बाजार में गया हुआ था। जब शाम तक अजय घर वापस नहीं लौटा तब परिजनों ने उसकी खोजबीन की। इसी दौरान अभिषेक सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह उम्र 15 वर्ष निवासी अलछलदा के रोड बिछूना ने जानकारी दी। उसकी बहन पूजा पत्नी शरद ठाकुर मोहल्ला अंबेडकर नगर बिछूना निवासी ने अजय को बाजार में अपनी बाइक पर जबरदस्ती बिठाकर नदी पुल की तरफ ले गए। इस जानकारी के आधार पर अजय के परिजन थाना कोतावली बिछूना पहुंचे और उन्होंने पूजा एव उसके पति शरद ठाकुर के खिलाफ अपहरण की नामजद रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पूजा पत्नी शरद ठाकुर को तत्काल हिरासत में लेकर पूछा करनी शुरू कर दी, लेकिन जानकारी के आधार पर दबिश देने पर कोई भी सफलता हाथ नहीं मिली। कल दिनांक 20 अगस्त को अजय के परिजनों को धमकियां मिलना शुरू हो गई, जिसके कारण भयभीत परिजनों ने मीडिया कर्मियों को बुलाकर अपनी बात कही और मोहल्ला वासियों के साथ थाना पहुंचकर अपनी पीड़ा बताई और शीघ्र ही अजय को तलाश करने की गुहार लगाई। इस बीच थाना प्रभारी विनोद शुक्ला को जानकारी मिलने पर वह तत्काल थाना पहुंचे और युवक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया कि पुलिस जल्दी अजय को बरामद करेगी। साथ ही उन्होंने इस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा, आप लोग इस प्रकार की कोई गतिविधियां ना करें जिससे पुलिस की कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो। उन्हें बताया कि हमने पूजा को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया है। पुलिस उपाध्यक्ष मुकेश प्रताप सिंह ने लोगों को शांत बनाए रखने की अपील की। जल्द युवक को खोज निकाला जाएगा। अपहरण की इस घटना को पुलिस अधीक्षक औरैया सुश्री सुनीति ने भी संज्ञान लिया हुआ है। इस घटना से मोहल्ले में दहशत फैली हुई है। मंडल ब्यूरो राहुल प्रजापति की रिपोर्ट। विधुना अंतर्गत उम्र लगभग 17 वर्ष अंबेडकर नगर से लगभग 3 बजे 18 तारीख को 3 बजे अपने घर से कहीं चले गए थे। उसके संबंध में परिवारजनों ने थाने पर शिकायत करी। तत्काल ही मौके से 3 टीमें बना दी गई हैं और 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं। पंपलेट छपवा दिए गए हैं और जगह जगह पर पंपलेट लगाए जा रहे हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर। साथ ही CCTV फुटेज कैमरे भी देखे जा रहे हैं, सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। इसमें इंस्पेक्टर्स के निगरानी में 3 SI जो हैं, दिनेश और सुरजीत और इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में 3 टीमें काम कर रही हैं। जल्दी ही इसकी बरामदगी की जाएगी। कुछ लोगों के यहाँ छापेमारी भी की गई, संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी थाने पर लाया गया है। पूरी टीमें लगी हुई हैं, सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, फोटो इत्यादि सब सर्कुलेट कर दी गई हैं। जल्दी ही इसमें इसकी बरामदगी कर ली जाएगी। शुक्रिया। राजकुमार है, क्या मामला है? ये सर, मेरा भाई पकड़ा गया है परसों शाम को 3:30 बजे और पूजा लड़की जो यहाँ रहती थी उसका हस्बैंड जो शरद ठाकुर है उसने पकड़ा है और ये वीडियो हमारे पास है। उसकी और उसके भाई ने बताया है कि वीडियो में कि यहाँ से पकड़ा गया। जब आपके साथ इतने साक्ष थे तो आपने थाने में ये चीज़ दिखाई? थाने गए थे तो उन्होंने कहा तो हम ढूंढेंगे और ज़्यादा फिर भी नहीं हो पाई। यानी आपने थाने से कहा, थाने से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला आपको? हाँ सर। आपकी बात नहीं सुनी गई? बात कम सुनी गई है, मतलब कर रहे हैं, ये कह रहे ढूंढ रहे हैं। क्या नाम था आपके भाई का? अजय कुमार।